नांदेड येथे रेल्वेला अचानक आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. नांदेड येथील हुजूर साहिब गुरु गोविंद सिंग रेल्वे स्थानकावर थांबून असलेल्या एका गाडीला अचानक आग लागली आहे. या आगीच्या घटनेमध्ये एक डब्बा जळून खाक झालाय. मात्र सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही. नांदेड येथील हुजूर साहिब गुरु गोविंद सिंग रेल्वे स्थानकावर थांबलेल्या एका गाडीला आग लागली आहे. या आगीत एक डब्बा जळून खाक झाला आहे. मात्र सुदैवाने या घटनेत जीवितहानी झाली नाहीये. घटनेत जळालेला डब्बा हा माल वाहतूक करणारा होता. सदर गाडी तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करून प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर लावण्यात आली होती. मात्र सकाळी या डब्याला अचानक आग लागली. या घटनेने रेल्वे स्थानक परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. मात्र रेल्वे प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे ही आग लगेच आटोक्यात आणली गेली. यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. दरम्यान ही आग कशामुळे लागली याची चौकशी केली जाईल अशी माहिती रेल्वे प्रबंधक नीती सरकार यांनी दिली आहे. करीब 10 बजे हम लोग को ये सूचना मिली कि एक ट्रेन में आग लगी हुई है. वहाँ पे तुरंत हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी गए हुए हैं और उन्होंने सारा एकदम तुरंत एक्शन लिया और फायर ब्रिगेड की मदद से और हमारी जो पाइपलाइंस होती हैं उसकी मदद से तुरंत आग बुझा दी गई थी. 10:30 तक सारी पूरे आग पे काबू पा लिया गया था और आग ख़त्म हो चुकी थी. ये ट्रेन जो रात में चल के और जिसकी मेंटेनेंस रात में होती है उसकी मेंटेनेंस हो चुकी थी और अर्ली मॉर्निंग उसको वहाँ मेंटेनेंस से रिलीज़ करके यहाँ पे लगाया गया था. जहाँ तक मेरी सूचना है कि ट्रेन उस समय सब तरफ से बंद ही थी. फिर भी हम लोग ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी अभी इस समय रूल आउट नहीं कर रहे हैं और ये संभावना जिस भी तरह की है कि आग क्यों लगी इस पे अभी जांच हो रही है और जो भी सक्षम लोग हैं जिनसे हमें इसके बारे में कंसल्ट करना है वो सब अभी प्रोसेस चल रहा है. तकरीबन कितने का नुकसान हुआ? देखिए, एक तो पहली बात कि वहाँ पे कोई यात्री नहीं थे तो यात्रियों का या उनके जान माल की हानि नहीं हुई है. और जो ये जो कोच था जिसमें आग लगी थी ये SLR हम लोग कहते हैं जिसमें पार्सल रखा जाता है, तो कोई ऐसा पार्सल भी नहीं उसमें रखा था. खाली थी ट्रेन और जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस के बाद वो तड़के सुबह वहाँ से मेंटेनेंस लाइन से निकल के यहाँ पर प्लेस की गई थी. तो ऐसा कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है.